गदर 2 की हिस्टोरिकल सक्सेस ने सिर्फ पब्लिक को थिएटर से रिकनेक्ट नहीं किया बल्कि पूरे देओल परिवार को भी एकजुट कर दिया है। जो परिवार 20-30 सालों से अलग थलग था, धर्मेंद्र की दो बीवियों से दो परिवार बने थे और यहीं से पूरी खाई बनी थी। लेकिन गदर 2 ने दोनों परिवारों को करीब लाना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग ईशा देओल, आहना देओल उनके बच्चों से हुई और बात आगे बढ़ते बढ़ते प्रकाश देओल हेमामालिनी तक पहुंचेगी, इस बात के अनुमान लगने लग गए हैं। जैसे जैसे धर्मेंद्र इमोशनल होते हैं वैसे वैसे परिवार एक साथ आता है। धर्मेंद्र सनी देओल की बेटी की मैरिज में काफी इमोशनल हो गए थे बिकॉज उनको इस बात को लेकर बुरा लगा था कि ईशा देओल का परिवार क्यों नहीं आया, हेमा मालिनी क्यों नहीं आई। ये बात इंस्टाग्राम पर वो जाहिर कर चुके हैं और इसके तुरंत बाद सनी देओल ने गदर 2 की स्क्रीनिंग में ईशा देओल, आहना देओल के साथ फोटो खिंचवाई और सनी पाजी ने अपने पिता धर्मेंद्र को इमोशनली एक्टिव कर दिया। अब बारी है धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के आपस में मिलने की। हालांकि जिस तरीके से गदर 2 की स्क्रीनिंग में चुपचाप प्रकाश देओल धर्मेंद्र के साथ आई, इससे कोई दोहराय नहीं कि धर्मेंद्र दोनों पत्नियों के साथ अपनी केमिस्ट्री ठीक कर रहे हैं। और इस बात में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब स्क्रीनिंग हो रही थी तब ईशा देओल, आहना देओल और बच्चों के साथ मौजूद थी, यानी प्रकाश देओल का सामना अपनी 100 की बेटियों से हो चुका है। यानी ईशा, आहना, प्रकाश देओल के साथ कंफर्टेबल हैं तो बात हेमा मालिनी तक जरूर पहुंचेगी और एक तरह की नई शुरुआत है। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों के परिवार एकजुट हो रहे हैं तो आगे चांसेस हैं कि दोनों बीवियां भी एकजुट हो जाएंगी। वैसे इस बात की पूरी कोशिश रखी गई कि मीडिया के सामने प्रकाश देओल को छुपाया जाए और ईशा देओल, आहना देओल से सामना न हो पाए। वरना आपने गौर किया होगा जिस दिन धर्मेंद्र के बच्चों के साथ ईशा, आहना, सनी, बॉबी थे वहीं पर प्रकाश देओल भी आई थी बट बैक रास्ते से आई थी। जाहिर सी बात है एक शो को सारी फैमिली ने एंजॉय किया होगा तो प्रकाश देओल के आसपास ईशा, आहना भी होंगी और वो छोटा बच्चा भी होगा जो आहना देओल का है और वो पक्के तौर पर प्रकाश देओल के पास गया होगा। यानी परिवार की जो ट्यूनिंग है वो वापस रिकनेक्ट हो रही है और इसमें पूरा क्रेडिट जाता है सनी देओल की मूवी गदर 2 की कामयाबी को। बिकॉज कहते हैं खुशी के मौके पर लोग अच्छे खासे पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं और ये बात देओल परिवार पर भी लागू होती है। तो सनी देओल ने जिस तरीके से अपनी एक मूवी की कामयाबी के जरिए अपने परिवार में खुशियों की बौछार पैदा की है, परिवार को एक साथ एक छत के नीचे लाने में कामयाब हुए हैं, ये बात धर्मेंद्र को बहुत ज्यादा खुश रिजेनरेट करती है। और धर्मेंद्र खुद कहते हैं मेरी दुआएं कबूल हो गई। एक तरफ उनकी मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आई, दूसरी ओर सनी देओल के बेटे की मैरिज हुई, तीसरी ओर सनी पाजी के दूसरे बेटे राजवीर का डेब्यू होने वाला है, चौथी ओर गदर की कामयाबी और पांचवी ओर परिवार के साथ आना। खुशियों के इस माहौल में और धर्मेंद्र के खुश मिजाजी को देखकर ये बात कहना गलत नहीं होगा, जब वो अपनी दोनों बीवियों को एक साथ देखेंगे एक छत के नीचे तब पक्के तौर पर इमोशनल हो ही जाएंगे।